Hey everyone, welcome back to your favorite YouTube channel, Educational Hikes. This is Prem Pandey और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक से पोएम नंबर 2, द लैब्रनम टॉप. इस पर्टिकुलर पोएम के पहले हमने जो ऑलरेडी दो चैप्टर्स हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, अ फोटोग्राफ पोएम और वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके देख सकते हो. और अगर आप नए विजिटर हो यार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर पोएम को. इस पर्टिकुलर पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको पोएम के इंग्लिश स्टैंजा के साथ साथ आपको पोएम का हिंदी ट्रांसलेटेड वर्जन भी मिल जाएगा, जो कि आपको पोएम समझने में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है. तो पोएम स्टार्ट करने से पहले एक चैप्टर का छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि इस पूरे पोएम में हम पढ़ने क्या वाले हैं. इस पूरे पोएम में दो करेक्टर्स हैं, एक लैब्रनम नाम का पेड़ है और एक गोल्डफिंच नाम की पक्षी है. लैब्रनम नाम का पेड़ शुरुआत में बहुत ही शांत रहता है और ये जो गोल्डफिंच नाम की पक्षी है उसका घोंसला इसी पेड़ पर रहता है जहां पर इसके दो बच्चे हैं उसके घोंसले में. और जैसे ही ये पक्षी उस पेड़ पर बैठती है, पेड़ एकदम रोमांचित सा हो उठता है, एक हलचल सी होने लगती है पेड़ पर. और फिर से जैसे वो अपने बच्चों को खिला के वापस उस पेड़ से उड़ती है, फिर से पेड़ एक बेजान सा हो जाता है. यही इस पूरे पोयम में ब्यूटीफुली दिखाया गया है. इस पर्टिकुलर पोयम के जो पोएट हैं टेड यूथ्स, उनके बारे में आपको बता दूं यार, पर्टिकुलरली इनका 3 अफेयर रहा है. मतलब पहली पत्नी प्लैथ, जिसने सुसाइड कर लिया था, दूसरी पत्नी ने भी सुसाइड कर लिया था, उसने तो अपने बच्चे के साथ सुसाइड किया था, और तीसरी पत्नी वेबिल, जो कि लास्ट तक डेथ तक इनके साथ रही थी. इस पोएट का जन्म 1930 को हुआ था और इनकी डेथ 1998 में हुई थी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्यूटीफुल सी पोयम द लैब्रनम टॉप. शुरुआत में पहले स्टैंजा में पोएट बताते हैं द लैब्रनम टॉप इज साइलेंट. जो लैब्रनम का पेड़ है वो शुरुआत में एकदम शांत स्टिल एकदम स्थिर खड़ा है. इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट. और समय कब का है? सेप्टेम्बर का महीना है, दोपहर का समय है, और जो सनलाइट है, जो धूप की किरणें हैं ना, वो हल्की येलो कलर की हैं, क्योंकि धूप क्या है, कड़ी है, थोड़ी सी धूप हार्ड है, इसलिए येलो कलर की दिख रही है. अ फ्यू लीव्स येलोइंग. इस पेड़ के, लैब्रनम पेड़ के कुछ पत्ते धीरे धीरे पीले हो रहे हैं क्योंकि वो गिरने वाले हैं. ऑल इट्स सीड्स फॉलन. और इस पेड़ के जितने भी सीड्स हैं वो ऑलरेडी गिर चुके हैं. और मैं आपको बता दूं, लैब्रनम के जो सीड्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं, और इस पेड़ के जो फ्लावर्स होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं. सेकंड स्टैंजा हम देखेंगे अब. सेकंड स्टैंजा में पोएट बताते हैं कि ये पेड़ जो अब तक एकदम शांत सा खड़ा था, अब शांति नहीं रहती है. तब तक ही ये पेड़ शांत रहता है जब तक, टिल द गोल्डफिंच कम्स, जब तक गोल्डफिंच नाम की एक पक्षी इस पेड़ पर आके बैठ नहीं जाती. विथ अ ट्विचिंग चिरप, ये पक्षी जो है वो अपने शरीर को ट्विच करती है, अपने शरीर को हिलाते हुए चिरप साउंड प्रोड्यूस करते हुए सडनेस और स्टार्टलमेंट, अचानक से आकस्मिक तरीके से लोगों को आश्चर्य करते हुए वो ब्रांच एंड पर आकर बैठ जाती है एकदम सडनली. देन स्लीक एस अ लिजार्ड, और उसके बाद छिपकली के जैसे चमकदार दिखने वाली, छिपकली के जैसे अलर्ट रहने वाली, छिपकली के जैसे अब्रप्ट रहने वाली, अब्रप्ट का मतलब तेजी से मूव करने वाली, ये पक्षी जो है वो पेड़ के थिकनेस की तरफ इंटर करती है. इंटर्स द थिकनेस, मतलब पेड़ के बीचों बीच वो जाती है. अ मशीन स्टार्टअप्स, और तभी एक मशीन जैसी कोई चीज है. यहाँ पर मशीन को कंपेयर किया गया है, जो इस पक्षी के जो यंग वंस हैं, जो इस पक्षी के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपनी माँ को देख के अचानक से शोर मचाने लगते हैं. जैसे एक मशीन होता है वो शुरुआत में एकदम शांत पड़ा रहता है, और जैसे ही मशीन को स्टार्ट करते हैं तो अचानक से आवाज़ आने लगती है. सेम ऐसे ही इसके बच्चे भी इसको देख के आवाज़ करने लगते हैं. इसीलिए पोएट ने लिखा है एक मशीन स्टार्ट हो जाती है, ऐसा लगता है कि कोई मशीन स्टार्ट हो गई हो. ऑफ चिटरिंग, और कैसी आवाजें करते हैं वो बच्चे, चिटरिंग, थोड़ी थोड़ी जैसे पक्षियों की साउंड होती है ना, वैसे आवाज वो करने लगते हैं. ट्रेमर ऑफ विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं. एंड ट्रिलिंग्स, और धीरे धीरे वो चहचहाने लगते हैं. उसके बाद क्या होता है, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, इन पक्षियों के चहचहाट से ये जो पूरा पेड़ है वो कांपने सा लगता है, थ्रिल सा हो जाता है, रोमांचित सा हो जाता है. इस
पर्टिकुलर पेड़ पर एक जान सी आ जाती है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। अब ये जो गोल्डफिंच पक्षी है वो अपने परिवार का एक इंजन है। इंजन का क्या काम करती है, वो अपने पूरे परिवार का देखभाल करती है, उसको खिलाती है पिलाती है, उसमें ईंधन डालती है, यही तो काम होता है ना इंजन का। तो ये जो गोल्डफिंच पक्षी है वो एक इंजन का काम कर रही है। सी स्टोक्स इट फुल, वो अपने बच्चों को अच्छे से भरपेट भोजन कराती है, खाना खिलाती है। स्टोक्स का मतलब होता है ईंधन डालना, फ्यूल डालना या किसी को एनर्जी देना। तो वही यहाँ पर गोल्डफिन पक्षी अपने बच्चों को क्या कर रही है, एनर्जी दे रही है खाना खिलाकर। देन फ्लट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और उसके बाद ये पक्षी वापस खाना खिलाने के बाद ब्रांच एंड मतलब शाखा के अंत पर जाके वो बैठ जाती है। सोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और वो जैसे ब्रांच की तरफ उड़ती है तो ब्रांच की तरफ जाते हुए वो अपने बच्चों को अपना बेयर्ड फेस मतलब धारीदार जो चेहरा है जिसपे ब्लैक और येलो कलर की धारियां बनी हुई है, वो चेहरा अपने बच्चों को दिखाती है। अब आइडेंटिटी मास्क की तरह ये काम करता है इसका चेहरा। क्यों आइडेंटिटी मास्क की तरह, ताकि इसके बच्चे ये पहचान ले इसका चेहरा और कोई दूसरी शिकारी पक्षी आए तो वो शोर करना स्टार्ट ना कर दे अपनी माँ समझकर। ठीक है, फोर्थ पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ इस पोयम का। देन विथ एरी डेलिकेट विशल, और उसके बाद एक रहस्यमयी सी विशल जैसी साउंड आता है, एक सीटी बजने जैसी आवाज़ आती है। और ये आवाज़ कैसी रहती है, चिरप जैसे पक्षियाँ चहचहाती है ना, ऐसी ही कुछ आवाज़ रहती है, लेकिन वो विशल जैसी सीटी जैसी बजती है और ऐसा लगता है जैसे कोई विस्पर कर रहा है, कोई धीरे धीरे बात कर रहा है। शायद वो अपने बच्चों को समझा रही होगी कि मुझे पहचान लो, और अगर कोई दूसरी पक्षी आए तो तुम शोर ना मचाना, क्योंकि दूसरी पक्षी शिकारी भी हो सकती है और उनकी वो जान भी ले सकती है। उसके बाद अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद ये पक्षी लॉन्चेस अवे, दोबारा उड़ जाती है टूवर्ड्स द इनफाइनाइट, ये एंडलेस नीले आसमान की तरफ ये फिर से उड़ जाती है। एंड द लैबर्नम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और वो जो लैबर्नम का पेड़ है वो फिर से एक बेजान सा पेड़ हो जाता है, फिर से उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं रहता। इस तरीके से हम देखते हैं कि शुरुआत जैसे होती है पोयम की, शुरुआत में भी पेड़ बेजान सा रहता है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं रहती, और लास्ट में भी पोयम बेजान सा रहता है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये पोयम। अगर पोयम अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगले चैप्टर्स आपको कंटिन्यूअसली ऐसे ही मिलते रहेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।